दृष्टिहीनता खत्म करने के दुगना लक्ष्य के बीच छत्तीसगढ़ सरकार ने नया आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक मुफ्त इलाज के तहत कैटरेक्ट सर्जरी को निजी अस्पतालों में बंद कर दिया गया है। अब केवल सरकारी अस्पताल में ही कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो सकेंगे। देर शाम राज्य सरकार ने इसके लिए सभी प्राइवेट अस्पताल को ईमेल भेजकर ये निर्देश दिए हैं। इधर इस आदेश पर सवाल उठने लगे हैं और विशेषज्ञों की माने तो शासकीय अस्पतालों में वो संसाधन नहीं है जिससे बड़े स्तर पर ऑपरेशन किया जा सके। इधर साल 2019-20 में मोतियाबिंद के 1.25 लाख ऑपरेशन का लक्ष्य भी पूरा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से शासन की ओर से तय लक्ष्य के 80% ऑपरेशन प्राइवेट अस्पतालों में ही होते थे। नेत्र रोग विशेषज्ञों के मुताबिक सरकार का फैसला सराहनीय है, लेकिन थोड़ी जल्दबाजी हो गई। शासकीय अस्पतालों में संसाधन मौजूद हो तो लोगों को उतना ही लाभ मिलेगा जितना कि पूर्व में संचालित योजना से हो रहा था। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की नई योजना के मुताबिक सरकारी अस्पताल में प्राइवेट डॉक्टरों से इलाज करवाने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा डेफिनेटली कि उस गांव लेवल पर जाके एक ओटी को रेडी करना, और उस ओटी में ऐसी ओटी होनी चाहिए जिसमें इन्फेक्शन ना हो, उस ओटी में जो सामान ऐसे होने चाहिए जो कि प्राइवेट सेटअप के बराबर हो, क्योंकि प्राइवेट में डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उसको अपने नाम की भी चिंता होती है बहुत ज़्यादा, तो एक्स्ट्रा केयर मिलता है ये मरीजों को, वो मरीज जानते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स को बुला के एक आमंत्रण लिया गया था कि आप गवर्नमेंट के सेटअप में आइए और वहाँ पर आके इलाज करिए। तो अगर ऐसा हो पाता है कि जितने तादाद में ऑपरेशन प्राइवेट में हो रहे थे वो उतने तादाद में लोग जाके, वही डॉक्टर जाके अगर प्राइवेट में करने लग जाएं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा एक लोड वो कम कर पाएंगे।